वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन द मॉड्यूल 3 ऑफ द डीसी मशीन एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेपरेटली एक साइड डीसी जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, उसके बाद डीसी सीरीज जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। किसके लिए? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का डायग्राम निकालते हैं अपन, उसका सर्किट डायग्राम। दिस इज द फील्ड सर्किट, फील्ड करंट, फील्ड रेजिस्टेंस RF, ठीक है, एंड दिस इज द आर्मेचर सर्किट। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, जनरेटेड EMF EG, जनरेटर की बात चल रही है इसके लिए EG, एंड दीज आर द ब्रशेस। दिस इज द आर्मेचर करंट IA विच इज इक्वल्स टू लाइन करंट IF, और यहाँ पे आपके पास कोई तो लोड हो सकता है। ठीक है, RL, ठीक है, स्टेप से हो सकता है। ये रहा आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब इसमें देखिए अपन को क्या देखना है, अपन को ये देखना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने अलग अलग की मैग्नेटाइजिंग कर एट नो लोड, मैग्नेटाइजिंग कर कैरेक्टरिस्टिक्स एट लोडेड कंडीशन, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आर्मेचर करंट का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने और उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन को यहाँ पे प्लॉट करना है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ आपके पास, हेडिंग में देखिए सबसे पहला जो आप डिस्कस करेंगे दैट विल बी नो लोड मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड मैग्नेटाइजिंग इस टाइप से रहने वाला आपके पास। ठीक है, तो जो आपके पास नो लोड मैग्नेटाइजिंग कर कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगा वो किस टाइप से आने वाला उसके बारे में अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब मैं बात करूँगा किसके बारे में, जब मैं बात करूँगा, सपोज अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे जो फील्ड सर्किट है, किसके बारे में, फील्ड सर्किट है, यहाँ पे जो फील्ड सर्किट का जो सपोज सप्लाई है VT में, उसको VT की जगह पे इसकी वजह से जो इंडस टी में पाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं उसको सप्लाई दूँ तो मतलब इसका अगर मैं सर्किट में ये लिखूँ, देखिए ये जो आएगा मेरे पास EF इज इक्वल्स टू, ठीक है, VT की जगह पर, ठीक है, मैं उसका जो फील्ड आएगा डैट इज EF, मैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है, VT की जगह पे मैं उसको EF बोल रहा हूँ, और जो करंट आ रही करंट है आपके पास IF इंटू RF प्लस वॉट LDI बाई DT प्लस वॉट LDI बाई DT। इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस का मतलब ये जो कॉइल है, कॉइल का तो रेजिस्टेंस भी होगा और इसका इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है, लेकिन DC सप्लाई तो अभी ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंस विल बिकम वॉट जीरो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम बेटा जीरो, ये जीरो बन गया आपके पास। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई ई एफ की ई एफ इज इक्वल्स टू वॉट आई एफ मल्टीप्लाई बाई वॉट आर एफ, ई एफ इज इक्वल्स टू वॉट आई एफ मल्टीप्लाई बाई वॉट आर एफ, इस टाइप से रहेगा आपके पास सर्किट, ठीक है, इस टाइप से। अब देखना मैं जो बोलूंगा वो बात आपको याद रखनी, आपको बस वो वाली बात पता रहनी चाहिए। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर किसकी बात चल रही है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात चल रही है, जनरेटर की बात चल रही है। जब भी अपन किसी भी मशीन की बात करते हैं तो खास करके जनरेटर की बात करते हैं अपन, तो उसमें सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इंडक्शन ऑफ द फ्लक्स और फॉर द इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ, रेसिडुअल फ्लक्स मस्ट बी अवेलेबल इन द जी फील्ड वाइंडिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं, रेसिडुअल फ्लक्स क्या होना चाहिए, जरूरी है, अगर वो रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है तो वहाँ पर आगे इंडक्शन की जरूरत हो, मतलब इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं है इस फील्ड में, सपोज अगर इस फील्ड में रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ भी करके इस फील्ड में सबसे पहले रेसिडुअल फ्लक्स लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज पॉसिबल। अगर इसमें फ्लक्स ही नहीं है,
मतलब रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इस वाइंडिंग को यहाँ से उठा के कहीं और जगह पे किसी एक सप्लाई के अक्रॉस में उसको कनेक्ट कर दीजिएगा, डीसी सप्लाई के अक्रॉस में कुछ समय के लिए रहने दीजिएगा। उसकी वजह से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से तो उसमें से करंट फ्लो होगा, उस करंट की वजह से फ्लक्स आ जाएगा, और फ्लक्स आने के बाद में क्या करूँगा, कुछ समय के बाद उस डीसी सप्लाई को रिमूव कर दूंगा। जैसे मैंने डीसी सप्लाई रिमूव कर लिया तो उसमें जो फ्लक्स रह जाएगा, डैट विल बी द रेसिडुअल फ्लक्स, डैट विल बी व्हाट, रेसिडुअल फ्लक्स। और जो रेसिडुअल फ्लक्स उस फील्ड वाइंडिंग में जो आ जाएगा, उस फ्लक्स को अगर मैं यहाँ पे लेके आया, मतलब क्या उस फील्ड वाइंडिंग को मैं यहाँ पे लेके आया और उस फील्ड वाइंडिंग को अगर मैंने सप्लाई दे दिया, तो उसके बाद उसमें तो ऑलरेडी रेसिडुअल फ्लक्स है ही, उसमें क्या है, ऑलरेडी रेसिडुअल फ्लक्स है, उसमें है ऑलरेडी रेसिडुअल फ्लक्स। अभी तक देखिएगा उसमें ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, रेसिडुअल फ्लक्स है, फाइ रेसिडुअल है, फाइ रेसिडुअल तो आपके पास सही है, ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूं, फाइ रेसिडुअल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अगर उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है तो फायर रेसिडुअल की वजह से क्या आ जाएगा आपके पास, डी फाइव बाई डी की वजह से, क्योंकि कंडक्टर, क्योंकि आप तो अल्टीमेटली क्या करने वाले, ये क्या आपके पास है, डीसी जनरेटर है, क्या है आपके पास है, डीसी जनरेटर है। बट अगर डीसी जनरेटर तो आप क्या करोगे, शाफ्ट के थ्रू किसको घुमाओगे, आर्मेचर को घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे, मतलब रोटर को घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे आप, ठीक है। तो आर्मेचर आपकी क्या करेगी, घूमेगी शाफ्ट के जरिए, आप प्राइम मूवर तो उसको घुमाएगा ही, तो क्या हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो फ्लक्स है, और फ्लक्स को क्या ना, फ्लक्स के बीच में आप कंडक्टर को मूव करा रहे, किसको मूव करा रहे, आर्मेचर कंडक्टर को, आप उसमें फ्लक्स का जो पोर्शन है उसमें क्या करा रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, फायर रेसिडुअल है और फ्लक्स। तो मैं यहां पे ऐसे कह सकता हूं कि हेयर द फ्लक्स कटिंग एक्शन, रेसिडुअल फ्लक्स इज गोइंग टू बी कट बाय द आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर इज गोइंग टू कट द फ्लक्स ऑफ द रेसिडुअल फ्लक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेसिडुअल ईएमएफ आएगा, क्या जाएगा, रेसिडुअल ईएमएफ आ जाएगा, ई रेसिडुअल आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, ई रेसिडुअल आ जाएगा, ई रेसिडुअल की वजह से क्या आ जाएगा, आई रेसिडुअल आ जाएगा, क्या जाएगा, आई रेसिडुअल आ जाएगा। अभी आई रेसिडुअल क्या करेगा पता है क्या, ये आई रेसिडुअल जो होगा ना उसमें और करंट की डिमांड करेगा, किसकी डिमांड करेगा, और करंट की डिमांड करेगा। अगर उसने और करंट की डिमांड करेगी तो इसमें जो इसके पहले जो फील्ड करंट आ रहा था, उस फील्ड करंट की वैल्यू अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, उस फील्ड करंट का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और आई कैन कॉल इट इज वॉट, इट विल स्ट्रेंथन, इट विल वॉट, इट विल स्ट्रेंथन, मतलब क्या उसका स्ट्रेंथ अभी बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, मतलब जो फील्ड करंट है अभी उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, फील्ड करंट का स्ट्रेंथ अभी बढ़ने की वजह से जो फायर रेसिडुअल होगा वो क्या बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा अभी, वो बढ़ जाएगा, वो ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास जो ई आने वाला था यहाँ पे, ई वाला ई क्या बढ़ जाएगा, ई क्या करेगा, ई भी बढ़ जाएगा। ई के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, आई जो होगा आई बढ़ जाएगा, आई के बढ़ने की वजह से और क्या हो जाएगा आपके पास, आई एफ बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, आई एफ बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल रही कि यार पूरी की पूरी जो इसमें जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे आ रही है, बढ़ते जा रही, हर एक को बढ़ाते जा रही, बढ़ाते जा रही, बढ़ाते जा रही। अब इसमें हर एक चीज को अगर ये बढ़ाते जा रही, बढ़ाते जा रही, बढ़ाते जा रही है, तो इसकी वजह से होगा क्या, ये इसका इंक्रीमेंट जो ईएमएफ इंड्यूस, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये तब तक बढ़ते जाएगा, तब तक बढ़ते जाएगा, तब तक बढ़ते जाएगा कि जब तक उसका रेटेड वैल्यू तक ये पहुंच नहीं जाता है, जब तक क्या उसका रेटेड वैल्यू तक पहुंच नहीं जाता है। और आपको पता है कि ईएमएफ क्या होता है आपके पास, ईएमएफ जो होता है ई इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज एन डिफाई बाय डीटी, इट इज व्हाट, एन डिफाई बाय डीटी। मैं सिर्फ एक कंडक्टर की बात करूं तो एन का सवाल ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो डिफाई बाय डीटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तब तक पॉसिबल है, तब तक पॉसिबल है कि जब तक आपकी कोर सैचुरेट नहीं हो जाती, जब तक क्या आपकी फील्ड की वजह से आने वाला फ्लक्स है, जो फ्लक्स सैचुरेट नहीं हो जाता तब तक, जैसे कि अपन ट्रांसफार्मर में बोलते हैं कि जब तक कोर सैचुरेट नहीं होते तब तक उसमें फ्लक्स चेंज पॉसिबल होता है। जैसे भी आपकी कोर सैचुरेट होगी तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज पॉसिबल नहीं, मतलब फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूँ तो ईएमएफ इंडक्शन तब तक, या ईएमएफ का वैल्यू तब तक ही इंक्रीज होता जाएगा जब तक आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पॉसिबल है। एक पर्टिकुलर वैल्यू को फ्लक्स ने रीच करने के बाद फ्लक्स का चेंज होना भी बंद हो जाता है फील्ड करंट के साथ। देखिए इसका ग्राफ मैं बताता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। देखिए किस तरीके से, हाँ, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि देखिए जब आपने कुछ भी सप्लाई नहीं दिया, ये क्या नाम क्या दिया मैंने, नो लोड मैग्नेटाइजिंग कर। अगर नो लोड तो देखिए बेटा ये वाला कनेक्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये कनेक्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर ये कनेक्शन ही नहीं है तो मुझे एक बात बोलिए, ये क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा। इसमें जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, जीरो एम्पेयर। करंट कितनी जाएगी, जीरो एम्पेयर। करंट जीरो एम्पेयर जा रही है, इसमें रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है, रेसिडुअल फ्लक्स अभी भी अवेलेबल है। समझ मेरी बात, मैं इसके पहले भी बोला था आपको कि रेसिडुअल फ्लक्स नहीं तो उसको कुछ भी करके पहले रेसिडुअल फ्लक्स उसमें लाएगा, उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, ऑपरेशन में लाएगा, उसके बाद इसको ऑपरेशन में लाएगा। और ऐसा मान के चल रहे कि इसमें रेसिडुअल फ्लक्स है, ठीक है। अगर इसमें रेसिडुअल फ्लक्स है तो उसमें रेसिडुअल ईएमएफ भी होगा, इसमें रेसिडुअल ईएमएफ भी होगा। और ये कौन सी बात चल रही है, एट व्हाट, एट नो लोड की बात चल रही है, एट व्हाट, नो लोड की बात चल रही है। अगर एट नो लोड की बात चल रही है कि इसमें आर्मेचर करंट नहीं है और उसमें रेसिडुअल फ्लक्स है, तो रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से रेसिडुअल ईएमएफ आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, रेसिडुअल ईएमएफ आ जाएगा। तो देखिए ये मैं जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मैं दिखा रहा हूँ ईएमएफ, ईजी, जो जनरेटेड ईएमएफ जो आएगा ईजी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी
आर्मेचर करंट आई है, दिस विल बी व्हाट आर्मेचर करंट आई है। अब मैंने बोला कि एट नो लोड, एट व्हाट नो लोड, एट नो लोड पे द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट विल बी व्हाट, इट विल बी जीरो एम्पियर, इट विल बी जीरो एम्पियर मतलब क्या, एट वाई एक्सिस तुम कहीं पे भी दिखा दो। वैसे तो यार आर्मेचर करंट जीरो मतलब ये हो रहा है, लेकिन जब मैं रेसिडुअल फ्लक्स दिखाऊंगा तो रेसिडुअल फ्लक्स एट नो लोड कितना आएगा बेटा, उसका तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होने वाला बिल्कुल। यहाँ पे जो आएगा आपके पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू ई जी, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई जी। सो ई जी अगर यहाँ पे आ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कौन सा होता है, टर्मिनल वोल्टेज तो भाई ये होगा आपके पास, ये टर्मिनल वोल्टेज है। अगर इसमें करंट ही जीरो है तो मुझे एक बात बोलो, जब आप इसमें केवीएल अप्लाई करोगे इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस विल बी ई जी माइनस वी टी माइनस आई ए आर ए, और आपके पास करंट ही जीरो है भाई, तो मुझे एक बात बोलो ई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई जी विल बी इक्वल्स टू वी टी, ई जी का वैल्यू कितना होगा भाई, ई जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी टी, इतना हो जाएगा भाई ई जी का वैल्यू। समझ में आ रही बात, अगर आपके पास ईजी का वैल्यू वहाँ पे मिल गया तो आप आराम से कह सकते हो कि आप ईजी इज इक्वल्स टू व्हाट वी टी, ईजी इज इक्वल्स टू व्हाट वी टी। अब मैंने क्या बोला था, जैसे भी आपके पास रेसिडुअल फ्लक्स आ गया तो रेसिडुअल फ्लक्स किसकी डिमांड करेगा, रेसिडुअल ईएमएफ क्या आ जाएगा, क्योंकि तुम कंडक्टर तो कंडक्टर को तो मूव करते जा रहे हैं ना। सर कंडक्टर को कैसे मूव कर रहे, अरे भाई प्राइम मोवर के जरिए आप क्या कर रहे, उसके आर्मेचर को घुमा रहे, आर्मेचर को रोटेट करा रहे, आर्मेचर ओ वाला जो फ्लक्स है रेसिडुअल फ्लक्स उसमें से क्या कर रही है, पास कर रही है, तो उसमें जो आर्मेचर का कंडक्टर है रेसिडुअल फ्लक्स से गुजर रहे हैं उससे क्या कर रहे, पास कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स है फ्लक्स को कंडक्टर क्या कर रहे, कट कर रहे, कंडक्टर अगर कट कर रहे तो उसमें ईएमएफ इंडक्शन होगा, क्यों, क्योंकि डी फाई बाय डीटी तो हो रहा है बेटा उसमें, अगर डी फाई बाय डीटी हो रहा है तो मतलब रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से रेसिडुअल ईएमएफ आ रहा है, रेसिडुअल ईएमएफ किसकी बात करेगा, इट विल डिमांड आर्मेचर, इट विल डिमांड द रेसिडुअल करंट। अब रेसिडुअल करंट भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रेसिडुअल ईएमएफ बढ़ जाएगा अभी, ठीक है। तो रेसिडुअल करंट के बढ़ने की वजह से आगे फील्ड करंट बढ़ जाएगी आपकी, रेसिडुअल करंट मतलब यार वो फील्ड करंट है, रेसिडुअल फील्ड करंट की बात चल रही है एक्चुअली देखा जाए तो, रेसिडुअल फील्ड करंट क्या कर रही है, अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नोलोड पे है ना, नोलोड पे तो मतलब आर्मेचर करंट का तो सवाल ही नहीं आएगा, आर्मेचर करंट तो जीरो ही यहाँ पे, ठीक है। तो रेसिडुअल फ्लक्स आया था, रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से रेसिडुअल ईएमएफ आ गया, रेसिडुअल ईएमएफ की वजह से रेसिडुअल फील्ड करंट आ जाएगी। अब ये फील्ड करंट क्या कर जाएगी, और एक्स्ट्रा फील्ड करंट क्या करेगी, डिमांड करेगी, क्योंकि क्या करेगी, डिमांड करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा तेजी से आप क्या करोगे आर्मेचर को घुमाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स कटिंग होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंडक्शन होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, उतना ज्यादा आई रेसिडुअल बढ़ेगा, आई रेसिडुअल के बढ़ने की वजह से आईएफ बढ़ जाएगा, आईएफ आई रेसिडुअल इज नथिंग बट आईएफ, आईएफ बढ़ने की वजह से फायर रेसिडुअल बढ़ जाएगा, ठीक है। फायर रेसिडुअल के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ई बढ़ जाएगा, ई के बढ़ने की वजह से और फील्ड करंट बढ़ जाएगा, और ये क्या कर जाएगा, ऐसे कंटिन्यू से चलते रहेगा, ऐसे क्या करेगा, कंटिन्यू से चलते रहेगा। अब यहां से क्या हो रहा है, अभी से अब यहां से ये हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये क्या कर रहा है, बढ़ते जा 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 रहा है, इस टाइप से बढ़ते जा रहा है, इस टाइप से क्या ना है, बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रही बेटा बात, इस टाइप से बढ़ते जा रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो इनिशियली तो थोड़ा क्या कर रहा था, इनिशियली थोड़ा कम तेजी से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कम तेजी से इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनिशियली भाई आपके पास इतना ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, कि उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डी फाइबर डीटी नहीं आ रहा था, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं था, अगर स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं तो ऑब्वियसली कि वहां पे उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड करंट नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, तो इसके लिए इनिशियली थोड़ा कैसे था, थोड़ा इनिशियली थोड़ा कम था, उसके बाद जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ते गया, फ्लक्स बढ़ते गया, ईएमएफ इंड्यूस बढ़ते गया, फील्ड करंट बढ़ती गई, वैसे वैसे देखिए आपके पास एक इंस्टेंट तक आपको पता चला कि कैसा है, इंक्रीज होते गए, लीनियरली इंक्रीज होते गए, कैसे इंक्रीज होते गए, लीनियरली इंक्रीज। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखिए इसका स्टेप में इंक्रीज हो रहा है, कैसा स्टेप वाइज इंक्रीज हो रहा है, देखिए स्टेप वाइज आप देख सकते हो कि दिस इज लाइक अ स्टेप वाइज इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीमेंट इसके लिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे है ना आपके पास है ना फ्लक्स कैसा होगा, सैचुरेट होगा, सर्किट कैसा होगा आपका, सर्किट अभी जो फील्ड सर्किट है, फील्ड सर्किट इज सैचुरेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फील्ड सर्किट कैसी होगी आपके पास, यहाँ पे फील्ड सर्किट इज सैचुरेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फाइ इज व्हाट, फाइ इज सैचुरेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपके पास यहाँ पे फाइ अगर सैचुरेट होगा तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप फील्ड करंट को चेंज कर रहे हो तो उसके प्रोपोर्शन में अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डिफाइबिलिटी नहीं आ रहा है, डिफाइबिलिटी नहीं आ रहा है तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी चेंज नहीं होगा। तो आपको यहां से एक बात पता चल गई कि जैसे जैसे आपका फ्लक्स सैचुरेट होते जाएगा वैसे वैसे आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट होते जाएगा, वैसे वैसे आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होते जाएगा। अगर आपका ईएमएफ कांस्टेंट हो गया तो उसके बाद उसमें फील्ड करंट को कितना भी चेंज कर लो कुछ भी नहीं होगा, आपका ईएमएफ का वैल्यू उतना का उतना ही रहेगा, ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा बेटा, उतना का उतना ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना वोल्टेज बिल्डिंग का, किस तरीके से वोल्टेज बिल्डअप होता है किसी भी एक सर्किट में, तो मेरे हिसाब से आपको अब ये समझ में आएगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बात हो सकती है,
जो फील्ड सर्किट है आपके पास, फील्ड सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट लाइन जो होगा आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट लाइन जो उसका भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना है, बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट का, क्योंकि इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसमें से फील्ड करंट आएगी, उतना ज़्यादा उसमें से क्या होगी फील्ड करंट आएगी। उसका वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें जो फील्ड करंट आएगी बहुत ही कम आएगी, अगर फील्ड करंट बहुत ही कम आ जाएगी तो आपके पास जो फील्ड फ्लक्स है वो भी बहुत कम हो जाएगा। फील्ड फ्लक्स कम होने की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा दैट विल आल्सो गेट रिड्यूस, और रिड्यूस होने की वजह से जो आगे जो आने वाले जो नेक्स्ट सर्किट जो नेक्स्ट स्टेप में जो फील्ड करंट आने वाली होगी दैट विल आल्सो गेट रिड्यूस, और आई कैन से दैट विल नॉट बी दैट मच एज इट इज राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा कि जितना इस पर्टिकुलर केस में है। ठीक है, तो उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा क्या करता है उसमें, उसका वैल्यू भी जो जो है वो वैल्यू भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन अगर निकालू तो देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होगी, वोल्टेज और करंट इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस, और यहां पर रेजिस्टेंस देखा जाए तो देखिए कितना आने वाला है बेसिकली, यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा रेजिस्टेंस किसका आएगा, तो देखिए अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो उसमें और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए ग्राफिकली अपन उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज फील्ड करंट एंड दिस इज फील्ड सॉरी ईजी, इस टाइप से आपके पास। ठीक है, आपके पास देखिए आपको एक रिलेशन पता है क्या, E इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एन, इस टाइप से। अब यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है फाई और E इन दोनों के बीच में होने वाला है, क्योंकि मैंने देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको कहाँ से डिराइव करके दिया है, ई एफ इज इक्वल्स टू आई एफ मल्टीप्लाई बाई वॉट आर एफ, इस टाइप से लिखे दिया है। और अपन को एक बात पता है, क्या पता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट आई एफ, ये अपन को पता है। अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में निकालो तो दिस विल बिकम वॉट के डैश मल्टीप्लाई वॉट आई एफ, इस टाइप से। तो फ्लक्स और आई एफ दोनों कैसे कॉन्स्टेंट, दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तब तक प्रोपोर्शनल है कि जब तक आपका फ्लक्स चेंज होते जा रहा है तब तक पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब क्या है ना, ई चेंज होगा जैसे मैं फाई चेंज करूंगा, और फाई चेंज किस तरीके से होना जैसे मैं आई चेंज करने वाला आई एफ एक्चुअली देखा जाए तो। देखिए ठीक है, और अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें तो मेरे पास जो सर्किट है एक्चुअली आर्मेचर सर्किट जो मैंने क्या बोला, नो लोड मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, क्या बोला मैंने, नो लोड मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है। अगर बेटा मैं नो लोड की बात करूँ तो नो लोड पे आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर्मेचर करंट विल बी जीरो एम्पियर, आर्मेचर करंट विल बी व्हाट जीरो एम्पियर, ये आपके पास क्या बन जाएगी जीरो एम्पियर बन जाएगी, आर्मेचर करंट की वैल्यू कितने बन जाएगी जीरो एम्पियर बन जाएगी। अगर आर्मेचर करंट आपके पास जीरो एम्पियर है तो मुझे एक बात बोलो, अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा ई जी इज इक्वल्स टू वी टी माइन प्लस आई ए आर, तो अगर आई ए जीरो है तो ये क्या बन जाएगा ई जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी टी, ईजी का वैल्यू कितना बन जाएगा भाई वीटी के बराबर होगा। अगर ईजी का वैल्यू वीटी के बराबर हो गया है तो मुझे एक बात बोलो, एट नो लोड कि जहाँ पे आर में जहाँ पे आपके फील्ड करंट के जहाँ पे ये जो फील्ड करंट थी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी जो फील्ड आर्मेचर करंट तो नो लोड पे तो जीरो ही थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए एट नो लोड अगर मैं बात करूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट नो लोड अगर बात करूँ और मैं कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी मतलब कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, ये वाली जो फील्ड सर्किट है, फील्ड सर्किट की सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या होती है आपके पास, उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। इवन दो अगर मैं इस फील्ड वाइंडिंग को अगर सपोज सप्लाई नहीं भी दिया, फील्ड वाइंडिंग को अगर सप्लाई नहीं भी दिया तो भी तो उसमें फील्ड ये में पाएगा कैसे आएगा, अरे भाई उसमें ऑलरेडी फ्लक्स है, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा नहीं एट नोलोड पे, नोलोड पे सर्किट कंप्लीट नहीं होती थी उसके बावजूद भी तो उसमें फ्लक्स तो होता था, नोलोड पे जो फ्लक्स होता था वो फ्लक्स की वजह से इंडक्शन की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आता था, सेकेंडरी पे तो नोलोड पे तो ईएमएफ आता है, तो मुझे एक बात बोलो अगर इसको मैंने सप्लाई नहीं भी दिया तो उसमें तो ईएमएफ आएगा ही भाई, बिल्कुल आएगा और आना भी चाहिए, ये तो कंसेप्ट है अपन पढ़े भी उसको। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा एट नोलोड पे, इवन दो योर फील्ड करंट इज जीरो, फील्ड करंट इज जीरो बिकॉज व्हाट, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन द सप्लाई, सप्लाई नहीं दिया सर्किट नहीं कंप्लीट किया तो फील्ड करंट आएगी नहीं, फील्ड करंट नहीं आएगी उसके बावजूद भी उसमें तो रेसिडुअल फ्लक्स है, रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से क्या आ जाएगा रेसिडुअल ईएमएफ आएगा, क्या आ जाएगा रेसिडुअल ईएमएफ आएगा, जो रेसिडुअल ईएमएफ आएगा ना बेटा उसका वैल्यू कितना होगा, रेसिडुअल ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू ईजी व्हिच विल बी इक्वल्स टू व्हाट वीटी। ठीक है, उसका वैल्यू बहुत छोटा होगा एक्चुअली देखा जाए तो, बहुत मतलब बहुत छोटा वैल्यू होगा लेकिन होगा जरूर, फील्ड करंट जीरो उसके बावजूद भी रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से रेसिडुअल ईएमएफ आ रहा है, उसका वैल्यू होगा कुछ तो होगा, लेकिन जो छोटा होगा बड़ा होगा उसके मैटर नहीं करता लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो देखिए जब फील्ड करंट आपकी जीरो होगी उस टाइम पे भी आपके पास क्या होगा फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ आएगा दैट विल बी व्हाट दैट विल बी रेसिडुअल फ्लक्स विल कॉज रेसिडुअल ईएमएफ, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट ईजी विल बी इक्वल्स टू व्हाट वीटी, ईजी विल बी इक्वल्स टू व्हाट वीटी, इस टाइप से रहेगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जैसे जैसे आपके पास देखिए सबसे पहले आपके पास क्या हुआ था, सबसे पहले आपके पास रेसिडुअल फ्लक्स आया था,
रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से रेसिडुअल ईएमएफ आ गया, तो रेसिडुअल ईएमएफ आ गया, रेसिडुअल ईएमएफ की वजह से अब क्या हो जाएगा, इसके पहले मतलब एट नो नोड पे जितना रेसिडुअल फ्लक्स था, तो रेसिडुअल फ्लक्स अभी देखिए क्या होगा, अभी रेसिडुअल करंट आएगी, अब क्या हो जाएगा रेसिडुअल करंट आएगी, क्या होगा रेसिडुअल करंट आ जाएगा, ठीक है। रेसिडुअल करंट आ गए और आपने आप यहाँ पे क्या किया, क्या किया उसको, जैसे भी रेसिडुअल करंट आ गए और आपने अभी यहाँ पे क्या उसको सप्लाई दे दिया, क्या दे दिया सप्लाई, मैंने इसको वीटी से इंडिकेट किया था, वीटी नहीं मैं इसको इंडी जो ईएमएफ ऑफ फील्ड वाइंडिंग है बस उसको ईएफ से इंडिकेट करा और कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा मैं उसको कह रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको सप्लाई दिया तो सप्लाई देने की वजह से क्या जाएगा, फील्ड करंट आ गया, और इस फील्ड करंट को सपोर्ट कौन करने वाला है, फील्ड करंट को सपोर्ट करेगा रेसिडुअल करंट, फील्ड करंट को सपोर्ट कौन करेगा रेसिडुअल करंट, जो तो जो उस फील्ड करंट का एक्चुअल वैल्यू उसमें रेसिडुअल करंट ऐड होने की वजह से एक्चुअल जो फील्ड करंट है वो बढ़ जाएगा, एक्चुअल फील्ड करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आपकी फील्ड करंट बढ़ेगी तो वैसे फील्ड फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, फील्ड ईएमएफ बढ़ेगा, फील्ड ईएमएफ बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, फील्ड ईएमएफ बढ़ने के मतलब फील्ड फ्लक्स बढ़ने की वजह से जो होगा फ्लक्स बढ़ गया, एक्चुअली देखा जाए तो फ्लक्स बढ़ने से वजह क्या हो जाएगा, करंट जो आपके पास जो आर्मेचर है उसको तो तुम कहाँ से रोटेट करा रहे हो, जो आर्मेचर है भाई उसको तो मतलब शाफ्ट मतलब प्राइम मूवर से रोटेट करा रहे हो, और आर्मेचर का जो स्पीड है वो क्या है रेटेड स्पीड पर अगर आप उसको पहले घुमा रहे थे अभी भी घुमा रहे हो, लेकिन अभी क्या है ना अभी तो फ्लक्स ज़्यादा हो गया, फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा उसी आर्मेचर को इसके पहले जितने स्पीड से घुमा रहे थे उसको भी अभी भी घुमा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ना फ्लक्स कटिंग ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो फ्लक्स कटिंग ज़्यादा होने की वजह से ईएमएफ जो होगा ईएमएफ का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ना, तो ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई फ्लक्स, ठीक है, तो आप यहाँ से चाहे तो लिख भी लीजिएगा कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू कैसा होगा, ज़्यादा होगा भाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसका वैल्यू कैसे होगा, फिर ज़्यादा होगा, अभी ये ज़्यादा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, ये तब तक बढ़ेगा कि जब तक आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है सैचुरेट नहीं होती तब तक बढ़ते रहेगा, अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग सैचुरेट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ने की वजह से आपका फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी वाइंडिंग ही सैचुरेट हो चुकी होगी, आपकी वाइंडिंग ही क्या होगी सैचुरेट हो चुकी होगी, अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग सैचुरेट होगी तो फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं होने की वजह से क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा एक जहाँ पे सैचुरेट हो गया आपकी फ्लक्स वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो देखिए आपका जो फील्ड फ्लक्स होगा सॉरी जो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा ऐसा इंक्रीज होते चले जाएगा, ऐसा क्या होता है ना इंक्रीज होते चले जाएगा, ऐसा इंक्रीज होते चले जाएगा और एक इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट किसके लिए हो जाएगा क्योंकि आपका जो फील्ड वाइंडिंग है योर फील्ड वाइंडिंग इज सैचुरेटेड, योर फील्ड वाइंडिंग इज व्हाट सैचुरेटेड, इसकी वजह से क्या हो जाएगा चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा दैट विल नॉट चेंज, अगर ये चेंज नहीं होगा तो बेटा यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा दैट फ्लक्स विल गेट फ्लक्स विल बी सैचुरेटेड, फ्लक्स विल बी सैचुरेटेड, फ्लक्स सैचुरेटेड होने की वजह से क्या होगा डी फाइव बाई डी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डी फाइव बाई डी कॉन्स्टेंट होने की वजह से ये वाला जो ई होगा ई विल ऑल्सो बिकम वॉट दिस विल ऑल्सो बिकम द कॉन्स्टेंट वन, दिस ई विल ऑल्सो बिकम वॉट कॉन्स्टेंट, तो ई कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इंडिस ईएमएफ विल ऑल्सो बिकम वॉट कॉन्स्टेंट, तो इंडिस ईएमएफ कैसा होगा अभी दिस विल ऑल्सो गेट कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट हो गया ये स्टेप्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना स्टेप्स आ जाएगा, सो दिस इंडिस ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू वॉट दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, E will also become what? Constant. E will also become constant. इस टाइप से बन जाएगा, ये कॉन्स्टेंट होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो देखिए इसका स्टेप वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है, लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है उसका देखा जाए तो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक लीनियर है उसके बाद नॉन लीनियर है क्योंकि वो सैचुरेट होगा इसके लिए उसमें क्या हो रहा है नॉन लीनियर है, आप ऐसे कुछ लोग बोलेंगे सर इसका स्टार्टिंग में देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है कि जितना और दूसरे इंस्टेंट पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास फ्लक्स भी जितना ज़्यादा कहाँ पे था, फ्लक्स भी कहते हैं इतना ज़्यादा कहाँ पे था, और इतना ज़्यादा फ्लक्स इसके लिए नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो देखिए आपके पास वाइंडिंग किसी इंडक्टिव वाइंडिंग की, वाइंडिंग किसी इंडक्टिव वाइंडिंग है, वो सप्लाई डीसी होने की वजह से इंडक्टेंस का इफेक्ट जीरो हो जाता है, सप्लाई डीसी होने की वजह से इंडक्टेंस का इफेक्ट जीरो हो जाता है, लेकिन ट्रांजिट में देखा जाए तो इंडक्टेंस विल अपोज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट, तो इसकी वजह से क्या ना इंस्टेंटेनियस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट इन करंट नहीं है क्योंकि आपके पास इंडक्टेंस है सर्किट का, तो उसकी वजह से क्या ना आपके पास जो फ्लक्स आने वाला स्टार्टिंग में वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो भी क्या ना उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका जो इंक्रीमेंट देखा जाए इसका तो देखिए ये लीनियर होने वाला है, लीनियरली आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होने वाला है इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कैसा होगा, बेटा एक कॉन्स्टेंट होगा या सैचुरेट होगा यहाँ पे सर्किट, सर्किट कैसे होगी आपके पास यहाँ पे सैचुरेट होगी, समझ में आ रही बात, तो देखिए इस पूरे सर्किट में अगर देखा जाए तो फील्ड सर्किट का जो भी कुछ पार्ट होगा फील्ड सर्किट का पार्ट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, इसमें फील्ड सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, इवन दो इंडक्टेंस को अपन निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये डीसी सप्लाई पे चल रहा है जो भी चल रहा है, लेकिन इंडक्टेंस का होना तो बहुत जरूरी है, मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, अगर आपको पावर ट्रांसफर करना है तो मैग्नेटिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, ये सब मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए अगर मैं फील्ड सर्किट का जो
रेजिस्टेंस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। अगर आरएफ का वैल्यू कम होगा तो आईएफ का वैल्यू कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर आरएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आईएफ का वैल्यू कैसा होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगर देखिए मैं वोल्टेज और करंट इन दोनों के जो ग्राफ है उस ग्राफ का अगर मैं लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अगर बताऊँ तो देखिए वो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं सपोज इस लाइन का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइन का अगर सपोज मैं एक्सप्रेशन लिखूँ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अगर मैं निकालू तो देखिए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इस टाइप से होता है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वाई एक्सिस पे क्या आपके पास ई जी, वाई एक्सिस पे क्या आपके पास ई जी, और एक्स एक्सिस पे क्या आपके पास आई एफ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वॉट दिस इज नथिंग बट एम, स्लोप होगा। एम इज इक्वल टू वॉट, दिस इज ई जी अपॉन वॉट आई एफ। और ये क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर एफ, रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये ईजी का वैल्यू ई एफ के बराबर कब होगा, क्योंकि ई एफ अपॉन आई एफ लेते तो तभी तो आई एफ, तभी तो क्या बनता भाई, ई एफ अपॉन आर एफ, ऐसा सॉरी आई एफ ऐसा लिखते तभी तो आर एफ बनता है, या आप उल्टा सीधा ऐसा क्या लिखते हो। देखिए बेटा क्या करने वाले अपन, अपन जब उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा ना, क्या बोल रहा हूँ इधर देखिए, अभी मैं जो बोलूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा ना, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी उसको तुम्हें तब तक बढ़ाते रहना कि जब तक आपका रेटेड वैल्यू इसके अक्रॉस में नहीं आता, और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा कि जब तक रेटेड वोल्टेज इसके अक्रॉस में नहीं आती है बाय इंड्यूस्डिंग, मतलब ये वाला प्रोसेस तब तक चलता रहेगा आपके पास इंक्रीज इन ईएमएफ, इंक्रीज इन ईएमएफ जो आप ग्राफ में देख रहे हो, जब तक आपका रेटेड वोल्टेज नहीं आता तब तक क्या करेगा ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस क्या करेगा, ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। और रेटेड वोल्टेज जो होगा ना आपके पास, ये जो वोल्टेज होगी, दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, दिस बोथ द वोल्टेज विल बी सेम, दिस बोथ द वोल्टेज विल बी व्हाट, सेम। तो इसकी वजह से मैं कह पा रहा हूं आपको कि ईजी डिवाइडेड बाय आई एफ इज इक्वल्स टू वॉट आर एफ, क्योंकि ईजी का वैल्यू ई एफ के बराबर होगा, ई एफ इज नथिंग बट वीटी, और इसका वीटी और इसका वीटी दोनों का सेम रहेगा भाई। कुछ बात पकड़ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ईजी को आप, ईजी को क्या है बेसिकली, ईजी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि जनरेट हो रहा है, जो जनरेटेड ईएमएफ, ये जनरेटेड ईएमएफ का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक, तब तक वो बढ़ेगा 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 कि जब तक आपका रेटेड वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो जाता, और जब रेटेड वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी तब भी तो आपकी फ्लक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी ही होगी कि जितना प्रोड्यूस कर सकता है। जिस इंस्टेंट पे आपका वैल्यू ये वाली फील्ड की जो फ्लक्स है वो सैचुरेट होगी, समझ लेना कि इतना ही वो दे सकता है, उतना ही दे सकता है, मतलब दैट विल बी द रेटेड वोल्टेज ऑफ दैट वन, ठीक है। वो क्या होगा, रेटेड वोल्टेज होगा, और वो जो फ्लक्स है जहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा दैट विल बी द रेटेड फ्लक्स, ठीक है। उसके आगे अगर चले जाओगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो सैचुरेट होने के बाद आप फील्ड को कितना भी बढ़ा दोगे उसका कुछ मतलब नहीं बनने वाला, उसका क्या है ना, कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ से लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अगर मैं निकाल दूँ तो दैट विल बी नथिंग बट वॉट, दैट विल बी नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप इट विल बी नथिंग बट वॉट, इट विल बी द फील्ड रेजिस्टेंस, इट विल बी नथिंग बट फील्ड रेजिस्टेंस, उसको मैं बोलूंगा आर एफ लाइन, उसको मैं क्या बोलूंगा आर एफ लाइन। तो देखिए मैं अभी क्या ना आपके लिए यहाँ से लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन निकालने वाला हूँ, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसको जहाँ पे कट करेगी उसका वैल्यू अपन क्या रखने हैं वो भी बात कर लेंगे अपन, ठीक है। ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन लग रहा है कि भाई लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल नहीं, उसको थोड़ा अपन स्ट्रेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको अपन स्ट्रेट निकालने की कोशिश करते हैं इस टाइप से, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज वीटी। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी वीटी, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा आपके पास, वीटी होगा। वीटी मतलब क्या बेटा, यहाँ पे आपका जो ईजी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, वीटी आ रहा है, क्योंकि आपके सर्किट में क्या होने वाला, सर्किट में क्या होने वाला, ईजी का वैल्यू कहाँ आ रहा है आपके पास, ईजी कहाँ पे है, ईजी और वीटी दोनों तो सेम ही आ रहे हैं ना, तो जहाँ पे आपके पास ईजी कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे आपके पास वीटी आ जाएगा, क्योंकि ईजी और वीटी दोनों तो सेम ही है, समझ में आ रही बात। और इस ग्राफ में तो मैंने आपको रेसिडुअल जब दिखाया था तब भी दिखाया था मैंने कि ईजी इज इक्वल्स टू व्हाट, वीटी, समझ में आ रही बात। तो जहाँ जिस इंस्टेंट पे आप उसको कट करोगे तो दिस विल बी द व्हाट, दिस विल बी द इंस्टेंट एट विच, दिस विल बी द इंस्टेंट एट विच व्हाट, इसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि सर्किट पूरी सैचुरेट हो गई, फील्ड करंट का वैल्यू उस इंस्टेंट पे कितना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो जिस इंस्टेंट पे ये करेगा तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी द VT, दिस विल बी वॉट, टर्मिनल वोल्टेज VT, और VT तो यहाँ से पता चल रहा है ना अपन को, ठीक है। लेकिन अपन को बस उसको ये देखना है कि मतलब कि कौन से इंस्टेंट पे उसको टच कर रहा है, जिस इंस्टेंट पे टच करेगा डैट विल बी रेटेड वोल्टेज VT, डैट विल बी वॉट रेटेड वोल्टेज VT, क्योंकि उसके आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे अगर आप जाने की कोशिश भी की तो IF को आपने कितना भी चेंज किया तो IF के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से EMF इंड्यूस जो होगा वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिफाइबिलिटी नहीं, अगर डिफाइबिलिटी सर्किट में आ ही नहीं रहा है तो मुझे एक बात भूलेगा ना, ईजी चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ईजी चेंज नहीं होगा तो वीटी भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला पॉइंट अपन को ये इंडिकेट कर रहा है कि आईएफ की इस वैल्यू पे अपन को ये वाला वीटी मिलने वाला है, ये वाला ईजी मिलने वाला है आपके पास, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, दिस विल बी द रेटेड वोल्टेज, दिस विल बी अ रेटेड वोल्टेज,
ठीक है, और रेटेड वोल्टेज मिलेगा तो आपको जो फील्ड जो रेजिस्टेंस मिलेगा डैट विल ऑल्सो बी द रेटेड, मैं कह सकता हूँ कि डैट विल बी द रेटेड रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट, डैट विल बी द रेटेड रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट। रेटेड कहने से अच्छा है कि जो फील्ड सर्किट का जो एक्चुअल है कि जिस पे आपको ये पूरा का पूरा ऑपरेशन मिल रहा है ये उसका वैल्यू होगा, उसी को तुम रेटेड बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये वाली बातें होती है बेसिकली कि जब अपन नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। मैंने इसको अभी कौन से लेवल पर मैंने पढ़ा उसको, मैंने नो लोड पर उसका पूरा एनालिसिस किया। सपोज अगर मुझे यही एनालिसिस अगर करना होता किसके लिए, फुल लोड के लिए, लोडेड कंडीशन के लिए, तो यही सेम एनालिसिस किस तरीके से आता अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए अपन ने अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसके लिए, नो लोड पे ड्रॉ किया है, नो लोड मैग्नेटाइजिंग कर रहे ईजी वर्सेस आईएफ के इन दोनों के बीच में। अब मैं इसी ग्राफ की तरह अगर दूसरा एक ग्राफ टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट इन दोनों के लिए अगर ड्रॉ करने की बात करता तो किस तरीके से आता, क्या बोल रहा हूं मैं, वीटी वर्सेस आर्मेचर करंट। ठीक है, लेकिन आर्मेचर करंट तो जीरो है ही, तो वीटी का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, तो वीटी को तो आर्मेचर करंट इन दोनों के बीच में तो पॉसिबल नहीं है। वीटी वर्सेस आईएफ के बीच में देखता, इसके बीच में वीटी वर्सेस आईएफ के बीच में। ठीक है, आईए के बीच में क्यों नहीं आएगा आर्मेचर करंट, इसके लिए क्योंकि नो लोड पे देख रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है, लोडेड कंडीशन में आर्मेचर करंट की वजह से आ जाएगा। ठीक है, वीटी वर्सेस व्हाट, वीटी वर्सेस आईएफ। तो मुझे एक बात बोलो भाई, जितना वीटी है उतना ही आपके पास ईजी है, और नो लोड पे तो दोनों सेम ही हो गए, तो यही ग्राफ नहीं आएगा उसके लिए? अरे भाई यही ग्राफ आएगा, उसमें थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, अगर उसने पूछा कि वी टी वर्सेस आई एफ का ग्राफ एट नो लोड पे क्या आएगा, तो सेम आएगा क्योंकि ई जी और वी टी दोनों सेम होते हैं एट नो लोड पे। इतना समझ में आएगा? ठीक है, तो देखिए अब अपन लोडेड वोल्टेज के लिए देखते हैं, किसके लिए, लोडेड कंडीशन पे। ठीक है, एट लोडेड कंडीशन या लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस टाइप से कैसा है, लोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको बोल रहा हूँ। तो देखिए ये वाला ग्राफ तो एज इट इज रहेगा भाई। ठीक है, ये लोडेड कंडीशन पे भी तो यही रहेगा, सिर्फ आर्मेचर करंट की वजह से थोड़ा कुछ चेंज आएगा। ठीक है, अब वो क्या चेंज रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज वी टी के बारे में देखना अपन को, वी टी वर्सेज आई एफ के बीच में, वी टी वर्सेज वॉट आई एफ, इन दोनों के बीच में ग्राफ देखना है। ठीक है, तो देखिए एट नो लोड पे क्या होगा, वी टी और ई जी दोनों तो सेम ही रहेगा, तो ये ई जी एंड दिस इज वॉट वी टी एट नो लोड, तो ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, देखिए आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने डिसाइड कर लिया, ये तो मतलब ठीक है कि ये समझ में आ गए, एट लोडेड कंडीशन पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट लोडेड कंडीशन पे, एट लोडेड कंडीशन पे, आई ए कैन नॉट बी जीरो। इस टाइप से अगर ऐसा ऐसा है तो वी ई जी इज इक्वल्स टू वॉट वी टी प्लस आई ए आर ए, इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इसी ग्राफ से अगर मुझे वी टी का वाला निकालना होगा तो वी टी विल बी इक्वल्स टू वॉट ई जी माइनस आई ए आर ए। इसका मतलब क्या, ये जो ग्राफ है इसमें से थोड़ा सा जो ड्रॉप होगा उसको मुझे कम करना पड़ेगा, और वही से मैं क्या ड्रॉ कर लूँगा, वही से मैं वी टी का वैल्यू ड्रॉ कर लूँगा, वही से मैं क्या कर लूँगा, वी टी का वैल्यू ड्रॉ कर लूँगा। अब मुझे देखना है भाई कि एट नो लोड पे डायरेक्टली वी टी का वैल्यू कितना आ सकता है, एट नो लोड पे, एट नो लोड पे अगर देखा जाए तो देखिए ये तो जो निकाला था नो लोड पे तो ई जी और वी टी दोनों का ग्राफ तो सेम ही आने वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो देखिए जब आर्मेचर करंट की बात करूँ मैं तो देखिए आर्मेचर करंट किस तरीके से आने वाला होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्मेचर करंट किस तरीके से आने वाला होगा, इसका जो ग्राफ आएगा ना ई जी इक्वल्स टू वी टी का, इसका जो ग्राफ आएगा देखिए इस टाइप से आएगा। ई जी से थोड़ा कम आएगा इसके लिए क्योंकि उसमें आई आर ए का ड्रॉप आ रहा है, इसके लिए क्योंकि उसमें आई आर ए का ड्रॉप आ रहा है। समझ में आ रही बेटा बात? और ये आप देख सकते हो कि इसमें जो भी कुछ आ रहा है, ये जो भी कुछ आ रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट दी, दिस इज द ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर करंट, आई आर ए ड्रॉप आ रहा है, क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द आई ए आर ए ड्रॉप। ये ई जी है, ई जी में से इतना ड्रॉप माइनस कर दो तो दिस विल बिकम वी टी, दिस विल बिकम व्हाट, ई जी, इस टाइप से आ रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अभी आपको अगर समझ में आ गया है तो अपन आगे चलते हैं फिर। ठीक है,
तो आगे देखेंगे अपन कि ये तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल है बस, उसमें बिल्कुल कुछ भी करना नहीं, बस ईजी में से क्या है ना, IRA का ड्रॉप माइनस कर दोगे तो उतना वो कम हो जाएगा और वही क्या करेगा आगे जाएगा। आर्मेचर करंट अगर मैं एक लोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ और मेरे देखिए लोड अगर फिक्स्ड है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लोड अगर फिक्स्ड है, अगर लोड मेरा फिक्स्ड है तो आर्मेचर करंट भी मेरी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। आर्मेचर करंट भी क्या हो जाएगी, मेरी फिक्स हो जाएगी। तो आर्मेचर करंट अगर फिक्स है तो IRA का ड्रॉप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। IRA क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉप जो आएगा डेट विल बी फिक्स। अगर ये फिक्स हो गया तो भाई मुझे एक बात बोले ना, बाकी कोई भी पैरामीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर बाकी क्या है ना, कोई भी पैरामीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखता नहीं उसको, ठीक है। देन देर इज नो नीड टू चेंज एनी अदर पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर को फिर बाकी आगे चेंज करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात, ठीक है। बस ये IRA ड्रॉप माइनस कर दिया तो VT का ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। और अगर उसमें कोई और अगर एक टर्म आ जाता और थोड़ा नीचे कम हो जाता, और अगर एक टर्म ऐड करता तो कोई और नीचे शिफ्ट हो जाता इस टाइप से, ठीक है। देखिए इसमें मैं एक बात थी कि जो आपको बताया नहीं उस टाइम पे इसके लिए, क्योंकि उसका थोड़ा आगे ज़्यादा ताल्लुक आएगा इसके लिए। ये वाली जो ग्राफ होती है ना, जैसे मैंने इसको बोला कि RF लाइन, ये क्या होती है एक्चुअली, RF लाइन होती है, ठीक है। RF लाइन मैंने लिखा नहीं था कि लेकिन मैं बोला था उसको कि दिस इज़ RF लाइन, दिस इज वॉट फील्ड रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। और इसकी जो ग्राफ है ना, इसकी जो ग्राफ अगर आइडियली देखा जाए तो देखिए, आइडियली देखा जाए ना, इसका जो ग्राफ होता है ना, देख सकते हो कि आप, इसकी जो ग्राफ होती है ना, बेसिकली ये वाली जो ग्राफ होती है उसको बोलते हैं एयर गैप लाइन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एयर गैप लाइन। इसको क्या बोलते हैं, एयर गैप लाइन बोलते हैं। अब ये जो एयर गैप लाइन होती है ना, एयर गैप लाइन दिस इंडिकेट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DC मशीन, आइडियल नो लोड मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या था, आपके पास फ्लक्स, मतलब ये जो फील्ड करंट था, जितने आपके फील्ड करंट इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स भी इंक्रीज होना चाहिए, जितना आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास d∅dt भी आना चाहिए, जितना आपका d∅dt होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आना चाहिए, ये अपन उसमें ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने एयर गैप लाइन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं था आपको, ठीक है, क्योंकि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। आप अभी मैं बता दिया तो आप उसको अभी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली आइडियल लाइन होती है, उसका मतलब बस इतना ही होता है कि जैसा फ्लक्स चेंज कर रहे हो वैसा आपका क्या होना चाहिए ना, जैसा फील्ड करंट चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स भी चेंज होना चाहिए, जैसा फ्लक्स चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ईजी भी चेंज होना चाहिए। तो मतलब देखा जाए तो मतलब जितना आगे चला जाएगा उतना ईजी भी चेंज होगा और उतना IF भी चेंज होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली देख सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद फ्लक्स भी सैचुरेट हो जाएगा, फ्लक्स सैचुरेट होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसका भी वैल्यू क्या है ना, वहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो सैचुरेटेड वन, ठीक है। तो इस टाइप से देखने होता है इन सब चीज़ों को। अब अपन बात करेंगे लोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ईजी वर्सेस आर्मेचर करंट के बारे में देखेंगे। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन अभी बात करते हैं। इंटरनल क्यों, मैं उसको समझाता हूँ। देखिए इंटरनल क्यों, इधर देखिएगा, इंटरनल इसके लिए कि देखिए जो पैरामीटर्स है आपके पास, इंटरनल पैरामीटर से यहाँ पे, यहाँ से क्या निकलने वाले जनरेटेड ई एम एफ, यहाँ पे होगा, ये इंटरनल है, यहाँ से जाएगी तो डेट विल बी करंट, ठीक है। और जो बाहर जो पार्ट है ये वाले, यहाँ पे दिस विल बी एक्सटर्नल वन, और यहाँ पे जो अंदर के जो पार्ट्स हैं आर्मेचर के, आर्मेचर की करंट है, आर्मेचर का ईएमएफ है, तो उसको तुम बोलोगे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरेटेड ईएमएफ वर्सेस आर्मेचर करंट, दिस आर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आर्मेचर करंट, दिस विल बी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एक्सटर्नल पैरामीटर्स है, ठीक है। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं, बाद में उसके ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं।